ये क्या है, कृष्णा मार्केट है, उसमें अंजलि ज्वेलर्स है। ये अंजलि ज्वेलर्स एक कलकत्ता फर्म है और काफ़ी जगह इनका ब्रांचेज है, दिल्ली में एक ही इनका ब्रांच है। और यहाँ पे आपको मालूम होगा कि इस इलाके के बहुत नज़दीक चितरंजन पार्क है, जहाँ पे बंगालीज हैं और ये बंगाल की ज्वेलरी में स्पेशलाइज करती है। तो ये जो कंपनी है, काफ़ी पॉपुलर एक कंपनी थी और यहाँ पे कल और परसों की रात, तो कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला SHO कालका जी को, इनके जो मैनेजर हैं अरिजीत चक्रवर्ती, तो वो आके उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ चोरी हो गई है, बगलरी हो गई है। फिर तुरंत मौके पे आए और जब पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक बड़ी चोरी है, तो तुरंत सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं वो लोग यहाँ पहुँचे और पूरा मुआयना किया और एक एक चीज़ को देखे। और ये बात है करीब 11:30 जब इन लोग ने अपनी दुकान खोली थी, और ये रात के 2:30 बजे तक ये न सिर्फ वर्कआउट हो गया ये केस जो अपराधी पकड़ा गया, लेकिन पूरा का पूरा 100% इसमें रिकवरी हो गई। आप लोगों ने देखा यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे सामान है और इसका जो मूल्यांकन जो किया गया है और उन्हीं के द्वारा, ये करीब 20 करोड़ का है। और इसमें बहुत ही दिमाग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ और हर तरह से, मतलब बिल्कुल इसको फेल सेफ, फूल प्रूफ जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया था कि ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। सबसे खास यहाँ पे जो बात है वो है कि इसमें PPE किट का इस्तेमाल हुआ था। अब कोई PPE किट आजकल कोई रास्ते में अगर आपको मिल जाता है, पुलिस वाले अगर चेक भी करते हैं तो पता लगता है कि जी हाँ ये PPE किट है, कहीं इसको ज़रूरत है, कहीं किसी कोरोना वायरस की जगह पर जा रहा है, वहाँ पर PPE किट की ज़रूरत है। मास्क अनदर प्रॉब्लम, मास्क आजकल लोग पहनते हैं, उससे फ़ायदा तो है हम लोग का हेल्थ, लेकिन इस तरह के वारदात जो हो रहे हैं जिसमें लोगों को मास्क का फ़ायदा हो जा रहा है। खैर ये लोग, ये अकेला बंदा अभी तक, अभी हम लोग ऐसे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जैसे अभी अनुमान है कि शायद इसने अकेला किया है और बहुत ही प्लानिंग के साथ इसने किया। इसमें कुछ टूल्स अभी यूज़ किए गए हैं और जिसमें गैस कटर वगैरह किया है, हाइड्रोलिक कटर यूज़ हुआ है, और बिल्कुल जहाँ जहाँ ज़रूरत थी किसी चीज़ का इस्तेमाल करना वहाँ पे यूज़ हुआ है। और उसी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं पे किसी स्क्रू ड्राइवर को चाहते हैं तो अलग अलग किस्म का आप पहले चेक करते हैं, ऐसा नहीं, वो उसने पूरी प्लानिंग करके पूरा एक एक रैकी करके उसने पता किया था कि ये यहाँ पे कौन सा स्क्रू ड्राइवर होगा और कैसा होगा, कहाँ से CCTV ऑफ किया जाएगा या CCTV को काटा जाएगा, एक एक चीज़ इसको मालूम था, पूरा रूट इसने तय किया कर रखा था। ये बहुत ही दिमाग वाला एक क्रिमिनल है। और अभी जैसे इसने कहा है कि ये पहला था, लेकिन आपको ये बताएं अगर इसको अभी नहीं पकड़ा जाता, एक तो इसने बहुत बड़ी हाथ मारी थी, बहुत ही बड़ा एक इसने वारदात की थी, और आगे ये चल के बहुत ही नामी गिरामी एक ये बर्गलर या थीफ या जिस जो क्रिमिनल कैटेगरी इसमें आप देना चाहें वो ये बन जाता है। तो इसमें टोटल रिकवरी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सब की रिकवरी है, जितने भी PPE किट्स वगैरह थी वो सब रिकवर। और जहाँ जहाँ से ये जिसने एंटर किया था, ये जिस जगह पे ये दुकान है उसके 2 बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग के ऊपर से वो चढ़ा था और अपने आप को कंसील किया गया था, और रात में करीब ये 5-6 घंटे इसने बिताया और बहुत आराम से, और इसको मालूम था कि कहाँ कहाँ हाई वैल्यू आइटम्स हैं, केवल उस जगह पे किया क्योंकि अकेला था
तो उसको कैरी करना भी एक उसके लिए एक समस्या हो सकती थी, इसलिए वो सिर्फ उतना ही लिया और 20 करोड़ वहाँ पे और भी सामान थी लेकिन उसने टच नहीं किया क्योंकि वो छोटे वैल्यू के आइटम्स थे, वॉल्यूम ज़्यादा और वैल्यू कम। तो इस तरह से इसने अपने उसको अंजाम दिया है और बहुत प्लानिंग करके इसमें तीन चार जो खास गौर करने वाली बात है, एक तो सबसे पहले दिल्ली में जब भी इस तरह की दिल्ली पुलिस कभी भी कोई ऐसा बड़ी वारदात होती है तो दिल्ली पुलिस वर्क्स एज अ टीम, और यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट था साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो जो डीसीपी आरपी मीना मेरे बगल में बैठे हैं उन्होंने तुरंत एक एडिशनल डीसीपी जो मेरे दूसरे साइड में उनके नेतृत्व में ये टीम बनाई और लोग सब मिलके एक एक करके लगातार उन लोगों ने काम किया है टिल 5 or 6 इन द मॉर्निंग, जब तक रिकवरी और वो पकड़ा नहीं गया तब तक ये लोग काम करते रहे लगातार राउंड द क्लॉक इन लोगों ने काम किया है विदाउट एनी रेस्ट और रिक्रिएशन, बीच में कोई उन्होंने रेस्ट नहीं लिया अभी कहीं पे, वो थोड़ा सा उन लोगों ने बिल्कुल मौलक ये नहीं लिया, तुरंत काम इसको पूरा किया है। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम होगा कि इस तरह के जो है हाई वैल्यू या जो बहुत बड़ी वारदात होती है उसमें अप्स एंड डाउन इन्वेस्टिगेशन बहुत होता है, उसमें अचानक डेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग के पास एक क्रू मिला जो इन लोगों ने बहुत माइन्यूटली जब वो सीसीटीवी को देख रहे थे तो माइन्यूटली उन्होंने ये देखा कि एक लाइट चली गई है, जैसे उसका उसे एंटर करना था ठीक उससे 2 मिनट पहले लाइट चली गई है उस एरिया की, तो ये लोग उस पे चल पड़े कि लाइट किसने ऑफ किया, पता लगा कि ये किसी गार्ड ने ऑफ किया था और वो लाइट कहाँ की थी, वो सामने साइन बोर्ड में जो लाइट जलती है उसका था तो उस तरह से ऑफ किया था, उस पे काम करने लगे कि हो सकता है जानबूझ के दोनों में प्लानिंग है, लेकिन अभी तक उसमें कोई दोनों का लिंक नहीं निकला है क्योंकि वो आदतन या वो एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस वो 11 बजे के करीब उसको ऑफ कर दिया जाता था। तो एक डेड एंड आ गया, क्लू जो है वो ख़त्म हो गया उसमें। तो इस तरह से जो जब इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत से अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बहुत से कहीं हम लोग किसी तरफ चलते हैं तो वहाँ पे मोराल हाई रखना टीम की और उन लोग को सबको हमेशा इनक्रेज करते रहना कि नहीं नहीं हम लोग जरूर इसमें कामयाब होंगे, दिस इज़ ये क्वालिटी है लीडरशिप। मैं इस चीज़ से इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ इन लोग से मिलने के लिए आया हूँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी और किस तरह से इन लोगों ने टीम में अलग अलग बांटा और सब टीम को अलग काम दिया, इस तरह दिस इज समथिंग जो कि दिल्ली पुलिस का ये हॉलमार्क है कि हम लोग काम करने का ढंग है और इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये बहुत IT सेवी क्रिमिनल है, बहुत ही IT में बहुत तेज है, पढ़ा लिखा है, ऑल्दो ग्रेजुएशन इसने नहीं की है लेकिन ग्रेजुएशन BA या BSc में था। ये IT में जाने चैलेंज पुलिस के लिए हमेशा है कि तरह तरह के नए नए इसमें तरीके साइबर ऑफेंस वगैरह आप जानते हैं, लेकिन IT के अलावा अब ये जो PPE किट और ये जो नकाब है ये एक दूसरा चैलेंज करते हैं, तो ये एक नया नॉर्मल है हम लोग के लिए काम करने के दिल्ली पुलिस के लिए, और हम लोगों ने दिखाया कि ये सब होने के बावजूद भी कैसे टोटली ब्लाइंड केस था उसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है, तो ये सच में एक बहुत ही काबिले तारीफ चीज़ है और इसको हम लोग बिल्कुल हम लोग बहुत इसको ये करते हैं। सो ये एक नया नई जो जो चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्ड जो चीज़ हमने बताना मैं चाहता हूँ वो है कि इसकी प्लानिंग बहुत एलैबोरेट थी, इसने पैसा खर्च किया था, इसने सामान इकट्ठा किए थे अलग अलग और उसका साथ में रिहर्सल भी किया था, इसने प्रैक्टिस की थी कि ताला काटना कैसे काटेंगे, ये किसी फेंस किसी खिड़की को काटना है तो किस तरह से काटेंगे, वो पूरी प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस के साथ तब इसने इसको अंजाम दिया था, बहुत ही प्लानिंग और लंबी प्लानिंग के बाद इसने दिया था। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ये करें, रिकवरी पूरी टोटल है और
सो यह सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो बात है कि बेसिकली इस तरह की चीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन का दो पार्ट होता है, एक तो उसको डिटेक्ट करके उसको पकड़ के कि कौन आदमी है, और पकड़ के हम लोगों ने उसको ये कर लिया और सामान रिकवर कर लिया, दिस इज़ वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट कि उसको हम लोग प्रोसिक्यूट करके और कन्विक्ट करवाएं कोर्ट से, क्योंकि जब भी कोर्ट में जाता है तो आप जानते हैं कि हर तरह की दलीलें दी जाती हैं, तो उस चीज़ को हम लोग और मजबूत करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन और इस प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को और कोर्ट में ट्रायल को हम लोगों ने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इसको करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसको पूरे ढंग से करेंगे कि जहाँ जहाँ डीएनए टेस्टिंग वेस्टिंग, जहाँ पानी वानी उसके सलाइवा और ये वो सब भी हम लोगों ने कलेक्ट किया है, उस चीज़ पे भी हम लोग काम करके, और हम लोग ये करेंगे कि यहाँ एक पुख्ता एक सबूत हो कि इसका कन्विक्शन हो कि ये जब भी जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करे या इस तरह के लोग ये। और प्लानिंग प्रोसेस में और इस तरह से यूट्यूब का बहुत बड़ा ये था, यूट्यूब में बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, सो यूट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, उससे यूट्यूब से आजकल तरह तरह के सीरियल्स आती हैं, तरह तरह के मूवीज़ आते हैं, और क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन पे सब आने लगा है तो एक्सेसिबल हो गया है, तो इस तरह से ये पुलिस के लिए एक नया चैलेंज हो गया है, जो कि हम लोग उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रख के हम लोग ये करते हैं, लेकिन आगे आने वाले में और भी चैलेंज होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस सक्षम है कि इस तरह के केसेस सॉल्व करेंगे। सर Thank you.